ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत के बाद से ईरान ने अपनी तिरछी नजर इसराइल की तरफ घुमा दी है। हालांकि खुलकर कहीं भी ईरान ने रईसी की मौत के पीछे इसराइल का हाथ होने की बात अभी तक नहीं कही है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसमें इसराइल का हाथ है भी तो उसके पीछे भी किसी न किसी का हाथ है, क्योंकि जो इसराइल अकेले अपने दम पर गाजा में हमास से नहीं लड़ पा रहा है वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे देगा। हमास से लड़ने के लिए इसराइल को अमेरिका से पूरा समर्थन मिल रहा है, और इधर रईसी की मौत के कुछ दिन पहले अमेरिका और इसराइल एक दूसरे पर बड़े तीखे हमले कर रहे थे, जबकि बीते 8 महीने से यही अमेरिका हमास के लड़ाकों से लड़ने में पूरी तरह से इसराइल की मदद कर रहा है। ऐसे में अमेरिका और इसराइल के कुछ दिनों के तीखे जुबानी जंग के पीछे भी साजिश हो सकती है। हालांकि ईरान सहयोगी आतंकवादी समूहों के प्रमुख ने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार के मौके पर तेहरान में एक बैठक की जहां गाजा में युद्ध पर चर्चा हुई। रईसी की मौत इसराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों को एक साथ लाने का काम कर रही है, जिसमें फिलिस्तीनी आंदोलन, हमास, लेबनान के हिजबुल्ला, यमन के हूती और इराकी शिया सशस्त्र समूह शामिल हैं। तेहरान में हुई बैठक में हमास के कतर स्थित राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिये सहित ईरान के नेतृत्व वाले अन्य रेजिस्टेंस ग्रुप हिजबुल्ला के डिप्टी नईम कासिम और हूती प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुसलाम शामिल रहे। हानिये ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खोमेनेई से भी मुलाकात की। इस दौरान खोमेनेई ने हानिये से कहा कि ईरान की फोर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक बैठक में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन और इराकी समूहों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में सभी ने साथ मिलकर फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह यानी हमास की पूर्ण जीत तक जिहाद और युद्ध जारी रखने पर जोर दिया। इतने बड़े पैमाने पर हुई बैठक से साफ है कि आने वाले समय में इसराइल को इन सभी के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसमें अमेरिका की भूमिका भी देखने वाली होगी कि वो क्या करता है।